सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई चल रही है और समाज में समलैंगिक रिश्तों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बरेली में हिंदू समाज के तमाम संगठनों ने समलैंगिकता के विरोध में जोरदार तरीके से आवाज उठाई। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और DM के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाकर समलैंगिक विवाह कानून नहीं लागू करने की मांग उठाई। हिंदू समाज के संगठनों ने कहा है कि समलैंगिक विवाह ईश्वरीय विधान से द्रोह है, यह अप्राकृतिक, असंवैधानिक और गैरकानूनी है। समलैंगिक विवाह कानून को भारत में मान्यता देने से रोका जाना चाहिए। समलैंगिकता समाज की विरोधी है और इसे लेकर कानून बनने से समाज का बहुत नुकसान होगा। विवाह बंधन के लिए सामाजिक तौर पर प्रक्रिया और व्यवस्था दी गई है जो कि पूर्ण रूप से उचित है। समलैंगिक विवाह कानून से सामाजिक ताने बाने को बड़ा नुकसान होगा। भारत के संविधान में दो विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को ही विवाह की अनुमति दी गई है जो धार्मिक सामाजिक मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल सही है। ऐसे में समलैंगिक विवाह कानून को भारत में लागू करना सर्वथा अनुचित होगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे 20 से अधिक सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा और भारत में समलैंगिक कानून न लागू करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व जागृति मिशन के देवेंद्र खंडेलवाल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवीन अग्रवाल, करुणा सेवा समिति के डॉक्टर विमल भारद्वाज, पंजाबी संगठन समाज के रवि छावड़ा, पर्वती समाज के गिरीश चंद पांडे, सेंट्रल गुरुपर्व समिति से कुलदीप सिंह पन्नू, अग्रवाल सेवा समिति से अशोक गोयल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से इंद्रदेव त्रिवेदी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा से गोपेश अग्रवाल, त्यागी भूमिहार समाज से सुरेंद्र त्यागी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति से राजकुमार सागर, वाल्मीकि आश्रम सेवा समिति से श्याम सुंदर कटेरिया, अखिल भारतीय छत्री महासभा और छत्री महासभा से धर्मवीर सिंह और अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा से KP सेन पटेल के अलावा समाज सेवी डॉक्टर विनोद पागरानी प्रमुख हैं। समलैंगिक के विषय में जो आतुरता सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, इसमें हस्तक्षेप करके शीघ्र इसमें कोई कानून बनाने का उनका मन है तो उसको विरोध में, चूंकि समलैंगिक में निश्चित रूप से बहुत ही खराब संदेश जाएगा, ना तो उसमें उन्नति होगी ना उत्पत्ति होगी। जब पुरुष से पुरुष का विवाह और महिला का महिला से विवाह होगा, दोनों चीज़ें रुक जाएंगी और जो पाश्चात्य सभ्यता है वो हमारे भारतीय संस्कृति पे सीधा सीधा कुठाराघात है। तो इस प्रकार के जो तरीके नए नए अपनाए जा रहे हैं हमारी संस्कृति को डैमेज करने के लिए, हम उसके विरोध में ये ज्ञापन दे रहे हैं ताकि कोई भी इस प्रकार का कानून नहीं बनना चाहिए।